ओम श्री काल भैरवाय नमः। भगवान भैरवनाथ जी का जो वार्षिक फेस्टिवल होता है हर साल, वो इस साल आज से इसका शुभ आरंभ हो गया है। 30 तारीख से, 30 नवंबर से ये फेस्टिवल 6 दिसंबर तक चलेगा। हर दिन यहाँ पे रंगारंग कोई ना कोई प्रोग्राम रहेगा। जैसे आज हमने पीरों फकीरों का भंडारा लगाना है, और जितने भी संगत है और बाजार में जितने भी भक्तजन हैं वो सारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद 3 तारीख को एक बाइकर्स रैली निकाली जाएगी। वो बाइकर्स रैली पूरे जम्मू में चक्कर लगाएगी और हर चौक में भगवान भैरवनाथ जी का गुणगान करेगी। ये भगवान भैरवनाथ जी भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं। उसी दिन 3 दिसंबर रविवार को सायं यहाँ पे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक शिव विवाह किया जाएगा। ये शिव विवाह जंगमों द्वारा किया जाएगा। भंडारे का अरेंजमेंट उस दिन भी है। भक्तजन जो भी आएंगे वो उस दिन प्रसाद यहीं पे ग्रहण करेंगे और भगवान शिव का गुणगान सुनेंगे। 4 तारीख को यहाँ पे पूजा की जाएगी कि हमारा भारत और ऊंचाइयों की तरफ जाए। जैसे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, और ऊंचाइयों की तरफ जाए। भगवान काल भैरव जी के जयकारे लगाए जाएंगे, जय श्री राम के जयकारे लगाए जाएंगे मंदिर परिसर में। 5 तारीख को यहाँ पे बिरादरी मेल होगी और व्रत भी होगा। जो भगवान काल भैरव जी का व्रत रखना चाहते हैं वो भगवान काल भैरव जी का व्रत भी रख सकते हैं। भगवान काल भैरव जी का व्रत वैसे ही रखा जाता है जैसे भगवान शिव का व्रत हम रखते हैं। एक वक्त मीठा खाना होता है। 6 तारीख को फिर एक भव्य भंडारा यहाँ पे लगाया जाएगा जिसमें 52 से भी ज़्यादा स्टॉल्स होंगे और भक्त काल भैरव जी की कृपा पूरे भारत पर बनी रहे, भारत हमारा और ऊंचाइयों की तरफ जाए, ये मनोकामना लेके यहाँ पे 5 तारीख को पूजा की जाएगी। अंत में यही कहूँगा कि भगवान काल भैरव जी पूरे भारत पर अपनी कृपा बनाएं, हमारा देश और ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएं। एक ज़रूरी सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि 4, 5 और 6 को पूरा जम्मू अपने घर के बाहर, पूरा भारत अपने घर के बाहर अपनी चौखट पे 2 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें, जिससे उनको काफ़ी फायदा होगा और घर में कोई भी बाधा होगी वो दूर होगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान काल भैरव जी का फेरा उस दिन हर घर में होता है। जिन्होंने दीपक जगाकर उनको निमंत्रण देना होता है वो निमंत्रण दे सकते हैं। तो भगवान काल भैरव जी का जो व्रत है वो आपको जैसे मैंने बताया कि 5 तारीख को होगा, उस दिन मीठा ही खाना है। फूलों की सजावट 1 तारीख से शुरू हो जाएगी जो 4 तारीख को कंप्लीट, कि वो भगवान काल भैरव जी के मंदिर में आए, माथा टेकें, प्रसाद ग्रहण करें, पुण्य के भागी बने। साल में ये जो एक दिन आता है इसका जरूर वो लाभ उठाएं। जय काल भैरव। मंदिर परिसर में किसी भी तरह की कोई पर्ची नहीं कटती है, तो किसी ने अगर कोई योगदान देना है वो सामग्री के तौर पे दे सकता है, पर वो भी पूछ के। अगर हमारे पास नहीं होगी ज़रूरत तो वो फिर अगले साल में योगदान दे सकता है। तो ऐसे मंदिर में कोई पर्ची नहीं करती, कोई वो नहीं। मंदिर का जो भंडारा है वो भक्तजन जिनकी सुखने पूरी हुई होती हैं वही भंडारे लगे। तो भगवान काल भैरव जी के मंदिर में 4 तारीख को कुछ और भी उपाय मिलेंगे, 3 तारीख को भी मिलेंगे। जिन भक्तों की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे आके मिल सकते हैं, उनको उपाय दिए जाएंगे।